हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। आज जानेंगे आईसीआईसीआई के इतिहास के बारे में। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में आईसीआईसीआई कहते हैं। इस बैंक की स्थापना सन 1994 में आईसीआईसीआई लिमिटेड द्वारा भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में हुई थी। आईसीआईसीआई का गठन 1995 में वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों की पहल से किया गया था। आईसीआईसीआई एक प्राइवेट बैंक है, साथ ही ये बैंक भारत में तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक की पूरे देश में लगभग 5000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और पूरे देश में लगभग 15000 एटीएम मशीनें मौजूद हैं। भारत ही नहीं बल्कि बाकी 19 देशों में भी ये बैंक मौजूद है। साल 2000 में आईसीआईसीआई बैंक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने 500,000 अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयरों की लिस्ट में आने वाला पहला भारतीय बैंक बना था। आईसीआईसीआई बैंक के सबसे पहले चेयरमैन ए रामास्वामी चुने गए थे। आईसीआईसीआई बैंक का हेड ऑफिस मुंबई में है और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस वडोदरा में है। आईसीआईसीआई बैंक अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, पर्सनल लोन्स, पेमेंट सॉल्यूशन जैसी सुविधाएं देता है। आईसीआईसीआई बैंक की फॉर्मर सीईओ रही चंदा कोचर पर वीडियोकॉन ग्रुप को करीब 4000 करोड़ रुपए का लोन देकर उसमें फेवरेटिज्म दिखाने के आरोप लगे थे। आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप के इन्वेस्टर अरविंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बैंक के लोन देने के तौर तरीकों पर सवाल उठाया था। इसी मामले के बाद चंदा कोचर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और 3 अक्टूबर 2018 को आईसीआईसीआई बैंक का नया सीईओ संदीप बख्शी को बनाया गया था।